ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપે 4 ઉમેદવારોને જાહેર કર્યા છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જેપી નડ્ડા, ગોવિંદ ધોળકિયા, મયંક નાયક અને જશવંતસિંહ પરમારના નામ ભાજપ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ગોવિંદ ધોળકિયા સુરતના ઉદ્યોગપતિ છે અને રામ મંદિરના નિર્માણમાં તેમણે 11 કરોડનું દાન આપ્યું હતું. તેઓ ગુજરાતના દુધાળા ગામના વતની છે. 1964માં 17 વર્ષની ઉંમરે તેમણે પોતાના જાહેર જીવનની શરૂઆત કરી હતી અને તેઓ હીરા ઘસવાના કામ માટે સુરત આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમણે કંપનીની સ્થાપના કરી અને આજે રામકૃષ્ણ એક્સપોર્ટ તેમની કંપની સફળતાના શિખરે પહોંચી છે અને તેઓ બિઝનેસમેનની સાથે લોકસેવાના કાર્યોમાં પણ ખૂબ જ આગળ રહ્યા છે. મિત્રો, તો આજ જો રાજ્યસભા મેં જાને કે લીએ મેરા નામ ડિક્લેર હુઆ હૈ યે મેરે ખુદ કે લીએ તો અનએક્સેપ્ટ થા ક્યુંકિ મેને કભી સોચા હી નહીં થા કે મેં કભી રાજ્યસભા લોકસભા કોઈ ભી પોલિટિક્સ મેં જાઉં. मगर आज सुबह 10 बजे जब अमित भाई का फोन आया कि हम लोग आपको राज्यसभा में भेजने चाहते हैं, तो मैंने बोला सर मैं तो एक कभी पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो मेरे को तो मुश्किल पड़ेगा. तो साहब ने बोला कि भाई हमें, मैं और जो नरेंद्र भाई ने तय किया है, जेपी नड्डा साहब ने आपका नाम, और आप सही है, आपको कोई ये पॉलिटिक्स है ही नहीं, राज्यसभा वो पॉलिटिक्स नहीं है, तो आप आराम से आप जो काम करते वही करते रहे राष्ट्र के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए आपको सुना जा रहा है. तो मैंने बोला जैसी भगवान की इच्छा. सर, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से सूरत कब आए थे, किस तरीके से पड़ी? हमारी जर्नी तो सौराष्ट्र में, हमारा छोटा सा गांव है 700 की आबादी का, गांव में 1 से 4 स्कूल, 4 धोरण का स्कूल था. तो मैं 5-6-7 लाठी में नंगे पैर चल के गया 6 किलोमीटर और 7वीं की एग्जाम नहीं दी मेरी, आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6. तो मैं वहाँ 13-14 साल की उम्र में सूरत आ गया. सूरत आया, उनको 60 ईयर्स हुआ, ये 2 अप्रैल को सूरत में मेरा 60 ईयर्स पूरा होगा. तो ये 60 ईयर्स की मेरी जर्नी, सूरत में हीरा भगवान मिल गया इसलिए जीवन बन गया. 6 साल हमने फैक्ट्री में काम किया, पहली सैलरी 103 रुपीज की थी और लास्ट 600, और टुडे वी हैव 15,000 करोड़ का हमारा कारोबार है और 7,000 लोग काम कर रहे हैं और पूरा हैप्पी फैमिली है, मैं भी हैप्पी हूँ. भगवान की कृपा से सब कुछ हैप्पीनेस आता रहता है, ऐसे आप आज भी एक हैप्पीनेस आया है. धन्यवाद. जेनसन ज्वेलरी से आप जुड़े हुए, आने वाले समय में क्या कुछ प्रश्न रहेंगे, उसका कैसे समझा? देखो, कोई हमारे काठियावाड़ में कहावत है, उंडिया उटिया जब उटिया मिट कैमल, जो मरता है तो मारवाड़ के सामने देखता है. ऐसे जब मेरे को ये राज्यसभा में भेजा है, अगर कोई काम करने का है तो मैं तो पूरा गुजरात का, सब इंडस्ट्रीज का जितना हो सके इतना करूँगा. मगर जैमिन ज्वेलरी हमारा क्षेत्र है तो उनका तो पहले ही जब ज्यादा ही ध्यान दूंगा, वो सही नेचुरली है. काका, एक हीरा उद्योग ना वडील तरीके हिंदी हिंदी का सभ्य तरीके, अरे आ डायमंड मूव ने सक्सेस करवानी एक जवाबदारी पर वधारे तो पर मान ले, बाद में बात करेंगे, संसद बनिया है, बाद में हम बात करेंगे, ये सब्जेक्ट नहीं है, अलग सब्जेक्ट है. ओके, थैंक यू.